कराची में कोरोना मुस्बत केसेस बुलंद तरीन सतह पर 35.3 रिकॉर्ड। सिंध में तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। वजीर आला की सरबराही में टास्क फोर्स इजलास का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। वैक्सीनेटेड अफराद को मार्केट्स में दाखिले की इजाजत। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद हो गई। 4 अफराद जामा। मुराद सरकार के खिलाफ बड़ा घेराव। बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध की बड़ी सियासी जमातों का मुश्तरक एहतजाज। तहरीक इंसाफ, एमकेएम और जीडीए आज प्रेस क्लब के बाहर कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना। सोल में रोज भी जारी। कल शारा फैसल बंद करने का ऐलान। ये लोग बातें करने पर यकीन रखते हैं, काम पर नहीं। ये एहतजाज उस वक्त करते हैं जब पीपल्स पार्टी आवाम के लिए काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि इनको धरना देना है, एहतजाज करना है तो गुर्बत, महंगाई और अशिया के गायब होने के खिलाफ दें। पीपल्स पार्टी भी साथ देगी। आवाम हो जाएं होशियार, हुकूमत फिर से पेट्रोल बम गिराने को है तैयार। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपए बढ़ाने की समरी। पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। वजीर आजम की मंजूरी के बाद आज ऐलान किया जाएगा। बेनामी अकाउंट्स का ऑपरेट होना कमर्शियल बैंकों की नाकामी है। शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस, एफआईए की बैंकर से मुतालिक तहकीकात की रिपोर्ट तैयार। दीगर केसेस की तरह मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने फायदा उठाया। बैंकर से किरदार से मुतालिक स्टेट बैंक से इंक्वायरी कराई गई। रिपोर्ट में कोई बैंकर कसूरवार नहीं पाया गया। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज बंद। 3 माह बीत गए, मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। मंगल से जुमेरात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होगी बरसात। बर्फबारी का भी है इम्कान। बालाई इलाकों गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को सफर से गुरेज की हिदायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।